ये है बॉलीवुड सिंगर रविंद्र उपाध्याय, जो हिंदी सिनेमा में अपने बेहतरीन काम के लिए जाने जाते हैं। बतौर सिंगर रविंद्र उपाध्याय हैप्पी न्यू ईयर, तलाश और इकबाल जैसी फिल्मों में प्लेबैक सिंगिंग कर चुके हैं। रविंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारा राजस्थान सक्षम राजस्थान के आज के इस लाइव सेशन में। थैंक यू सो मच रेशमा जी, थैंक यू सो मच। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आज मैं हमारा राजस्थान सक्षम राजस्थान के इस एपिसोड का एक हिस्सा हूं। थैंक यू सो मच रविंद्र जी। आप बॉलीवुड में प्लेबैक सिंगिंग तो करते ही हैं, साथ ही साथ आपने अपनी एनर्जेटिक आवाज और यूनिक स्टाइल से राजस्थानी फोक सिंगिंग को एक नई पहचान दी है, इसके पीछे क्या उद्देश्य है जानना चाहेंगे आपसे। जी देखिए, हमारी जो राजस्थान की माटी है वो कहना चाहिए कि कला, संस्कृति, संगीत, साहित्य, ये सब चीजों के मतलब बोलना चाहिए कि इन सब चीजों को बढ़ावा देने के वाली एक ऐसी जगह है हमारा राजस्थान कि जहां पर अगर म्यूजिक की बात करें, जिससे मैं जुड़ा हुआ हूँ, इंडियन जो फोक, भारत में चलने वाले जितने भी फोक म्यूजिक हैं, उसमें हमारे राजस्थानी फोक की अगर बात करें तो उसे एक सेमी क्लासिकल का दर्जा मिला हुआ है। हम सोच सकते हैं कि कितना रिच है, कितनी सदियों, कितनी पीढ़ियों से यहाँ पर संगीत को, कला को सिंचित किया जा रहा है, उसे तैयार किया जा रहा है, और कितने ही बुद्धिजीवियों ने अपनी कला को उसमें समर्पित किया है, तब जाकर हम आज कह सकते हैं कि राजस्थान का म्यूजिक, राजस्थान की कला एक अपना उसका एक बहुत बहुत बड़ा ऊंचा स्थान है। और मैं क्योंकि राजस्थान की मिट्टी में पैदा हुआ हूँ, यहीं का रहने वाला हूँ, यहीं पला बड़ा हूँ, तो मुझे हमेशा से ये लगता था कि भाई राजस्थान के संगीत को, यानी कि स्पेशली जो हमारे राजस्थानी भाषा में बनने वाला जो संगीत है, अगर मैं उसका कुछ पार्ट बन पाऊंगा तो वो मेरे लिए बड़े ही सौभाग्य की बात होगी। और फाइनली मुझे ये अवसर भी मिला, और मैं तो हमेशा यही कोशिश करता रहा हूँ कि हमारी राजस्थानी भाषा को एक अलग पहचान जो उसे मिलनी चाहिए, जो कि ड्यू है अभी भी, पहली चीज तो वो होनी चाहिए कि हमारी भाषा को पहचान मिले। हालांकि पूरे विश्व भर में राजस्थानी और मारवाड़ी बोलने वाले पूरे विश्व भर में लोग फैले हुए हैं और अपनी अलग अलग क्षेत्रों में अपना परचम लहरा रहे हैं, लेकिन क्योंकि मैं म्यूजिक से जुड़ा हुआ हूँ तो इसलिए आई वॉज ऑल्सो यू नो वो उन बच्चों में था मैं कि जो सोचते थे कि बड़े होके, अरे वो जब लंगाज मंगणियाज के हम लोग गाने सुनते थे वहाँ नागौर, जब पापा की पोस्टिंग थी, जोधपुर पोस्टिंग थी, तो मैं सुनता था, क्या मेस्मराइज हो जाते थे, हम सोचते थे क्या बात है, कैसा गाते हैं वो लोग, गजब, मजा आ जाता। तो मुझे लगता था अरे यार कभी मैं भी ऐसा गा पाऊंगा क्या। तो बस माता सरस्वती की कृपा है, और मेरी बहुत इच्छा थी और अब भी इच्छा है कि मैं लगातार कोशिश करता रहूं अपने अपनी भाषा के संगीत को, कहते हैं ना मायड़ भाषा का जो संगीत है हमारा, उसकी बस सेवा करता रहूं, मेरी बड़ी इच्छा है और वो यही कर रहा हूं। बिल्कुल रविंद्र जी, क्योंकि ये भी बहुत जरूरी होता है कि एक आर्टिस्ट जैसे आप आज बॉलीवुड पहुंच चुके हैं, यानी आपका मुकाम काफी आगे हो चुका है, लेकिन फिर भी आप अपनी जमीन से, अपनी राजस्थान की मिट्टी से जुड़े हुए हैं, ये भी मुझे लगता है एक आर्टिस्ट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। जी इसमें जी मैं यहाँ पर बस इतनी सी बात कहना चाहूंगा कि देखिए, कोई भी संगीत या संगीत की कोई भी विधा ना आगे ना पीछे, बहुत से दोस्तों को ये कंफ्यूजन होता हुआ कि द बेस्ट मोड ऑफ यू नो जो बेस्ट संगीत है वो क्लासिकल म्यूजिक होता है या वेस्टर्न क्लासिकल होता है, ऐसा कुछ नहीं है। संगीत एक ऐसा भाव है जो हर एक मनुष्य के मन में है, बस उसमें से कुछ ऐसे, मतलब हम मनुष्यों में से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि उस अपने उस भाव को फाइन ट्यून कर पाते हैं, और वो गॉड्स ग्रेस है, गॉड्स गिफ्ट है मेरे ख्याल से, क्योंकि हर एक तो नहीं होता ये। तो ये तो मेरा मानना है कि देखिए, ना बॉलीवुड म्यूजिक, ना फोक म्यूजिक, ना कोई आगे है ना पीछे, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब आप देखिए बॉलीवुड में भी कितना सारा यूज हुआ है हमारा राजस्थानी म्यूजिक, एक से एक बड़े हिट गाने हैं जो हमारे राजस्थानी गानों के ऊपर बेस्ड हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि हम किसी से कम हैं, हम सबके बराबर हैं, और मुझे सभी तरह का म्यूजिक पसंद है। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि बॉलीवुड में पिछले 15-16 सालों से, अब मुझे हो गए 16 साल हो गए लगभग, जब मेरी पहली फिल्म रिलीज हुई थी इकबाल, जिसका मतलब मेरा फर्स्ट प्लेबैक रिलीज हुआ था, तब से अब तक ऑलमोस्ट 15-16 ईयर्स हो चुके हैं। लेकिन मैं फिर वही कहूंगा कि देखिए, मजा तो है कि जब भी कोई भी संगीत गाएं, कुछ भी गाना गाएं, सुने, दिल से सुने और दिल से गाएं, तो बस वही चलता है मेरे साथ भी।
बिल्कुल, और अच्छी बात यह है कि सिर्फ राजस्थान के वासी ही नहीं, आज रविंद्र उपाध्याय जिस तरीके से राजस्थानी लोक संगीत को जिस तरीके से प्रस्तुत कर रहे हैं, तो पूरी पूरा देश क्या, मुझे लगता है बाहर के लोग भी राजस्थान की संस्कृति को जो पसंद करते हैं और जो नहीं भी जानते इसके बारे में, उन्हें एक मौका मिल रहा है राजस्थान के संगीत को सुनने का और उसका लुत्फ उठाने का। बिल्कुल, एकदम एकदम सही कहा आपने। आइए देखते हैं कुछ झलकियां आपके उस संगीत की, उस यूनिक स्टाइल की जो रविंद्र उपाध्याय स्पेशल है। मैं सुती बादल मैल बनी मैं क्यों जगानी हो, मैं सुती बादल मैल बनी मैं क्यों जगानी हो, ओ देश पधारो साटीला जयपुर की गर्मी, जयपुर की गर्मी घना जो रंगी लागे, जयपुर की गर्मी घना जो रंगी लागे, जयपुर की गर्मी घना जो रंगी लागे। जी रविंद्र जी, मजा आ गया ये सारी झलकियां देखकर, ये सारे वीडियोस देखकर वाकई। अब आपसे एक चीज जानना चाहेंगे जो मुझे लगता है कि आपके बहुत सारे फैंस और हमारे बहुत सारे फॉलोअर्स आपकी जिंदगी के सफर के बारे में जरूर जानना चाहते होंगे, तो आप बताएंगे कि किस तरीके से इस सफर की शुरुआत हुई और कैसे रविंद्र उपाध्याय इस मुकाम पर पहुंचे। जी हाँ बिल्कुल इसमें जी, असल में ये जो सफर है ये एक नॉर्मल बच्चे की कहानी है जो कि एक सर्विस क्लास फैमिली को बिलोंग करता है। मेरे फादर जुडिशियल ऑफिसर थे और हमारे घर में इनफैक्ट पूरे खानदान में कोई म्यूजिशियन नहीं है ना ही कोई सिंगर है, तो लेकिन क्योंकि मैंने कहा कि देखिए क्या होता है कि ये फाइन ट्यूनिंग की एक जो बात कर रहे थे हम लोग कि कला एक ऐसी चीज है जिसे एक निरंतर अभ्यास की जरूरत होती है, और मुझे लगता है कि बचपन में सुने हुए वो सारे अच्छे अच्छे सुंदर बॉलीवुड सॉन्ग्स गजलें वो सब, क्योंकि मम्मी को बहुत पसंद है अच्छा म्यूजिक सुनना, तो बचपन से वो सब चीजें मेरे कानों में पड़ती थी, तो मुझे लगता है कि वही चीज सुरों में बदल गई और मेरे गले में आई। हालांकि वो बहुत लेटर स्टेज पे आई, इनिशियली जब शुरुआत हुई थी म्यूजिक की तो मैं आई यूज टू प्ले हारमोनियम एंड कीबोर्ड्स एंड ओनली, बस उसके गाना इतना मैं नहीं गाता था, कम गाता था, लेकिन फिर भी स्कूल के कॉम्पिटिशन वगैरह में मैं करता था, धीरे धीरे सब चीजें होती थी। तो बस सफर की शुरुआत तो इसी तरह हुई, हालांकि पूरा फोकस पढ़ाई लिखाई पे था। और मैं देखिए आज भी इस बात को कहना चाहता हूँ, जितने भी एस्पायरिंग सिंगर्स हैं या जो बच्चे इस वक्त रियाज कर रहे हैं अपने आप को एज अ सिंगर तैयार कर रहे हैं, उन सब के लिए मेरी एक छोटी सी ये हमेशा उनके पेरेंट्स को भी और उनको भी ये एक गुजारिश रहती है कि बच्चों आप लोग जरूर करो, म्यूजिक तो करना ही करना है, आपका पैशन है पैशनेट होके करो, लेकिन आप हमेशा कोशिश करो कि अपनी बेसिक एजुकेशन को कंप्लीट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अब हम 21वीं सदी में चल रहे हैं और एज अ म्यूजिशियन भी आप तभी अपने आप को अपडेट रख पाएंगे, ग्रो कर पाएंगे, जबकि आप एक प्रॉपरली एजुकेटेड पर्सन की तरह अपने आप को पेश कर पाओगे। और दूसरी चीज ये भी होती है ना, जब भी कोई अपग्रेडेशन आता है, कुछ अपडेट्स आती हैं, तो उसके लिए आपको आपको पढ़ाई लिखाई के हिसाब से भी आपको तैयार रहना चाहिए। अगर आप यू कैन नॉट यू नो, जब भी आप अगर अपने आप को पेश ही नहीं कर पाओगे ठीक से, तो वो सारी दुनिया के साथ, क्योंकि आजकल तो अब वो जमाने तो गए, अब तो ग्लोबलाइजेशन का जमाना है, इंटरनेट से आप पूरे वर्ल्ड म्यूजिक के साथ जुड़े हुए हो, तो हो सकता है आपको किसी भी ऐसे स्टेज को आपको ऐसा कोई स्टेज मिल जाए कि जहां पर आप पूरी दुनिया को रिप्रेजेंट करो। तो इसलिए मुझे हमेशा ये लगता है कि एजुकेशन कैन मेक अ पर्सन अ बेटर ह्यूमन, क्योंकि अगर जब विचार शक्ति आपकी जागृत होगी तभी होगी जबकि आप अपने आप को एक्सप्लोर करोगे, आप पढ़ाई लिखाई करोगे, आप किताबें पढ़ोगे, देखोगे सारी दुनिया में आखिर क्या हो रहा है, क्योंकि अब वो जमाना गया कि जब हम कुएं का मेंढक बन के एक छोटी सी जगह पर, नहीं नहीं नहीं, अभी आप एक छोटी सी जगह से भी उठकर एक बहुत बड़ा स्टार बन सकते हैं। तो उसके लिए जरूरी है कि आप अपने को मेंटल लेवल पे भी आप अपने आप को तैयार रखें, अपने रियाज को तो करें ही करें। तो बस वही सारी चीजें थी, मेरे फादर भी बहुत स्ट्रिक्ट थे पढ़ाई लिखाई को लेकर, तो मेरे साथ यही होता था कि म्यूजिक मेरा पैशन था और वो उस पैशन को मैंने साथ साथ लेकर चला। और अब इस बीच में मैंने कई सारे कॉम्पिटिशन्स फेस किए, मैंने लोकल अपने जयपुर में राजस्थान में होने वाले कई अच्छे अच्छे कॉम्पिटिशन्स हैं उनमें मैं जाता था, अपने आप को टेस्ट करता रहता था, और साथ ही फिर उसके बाद टीवी पे होने वाले रियलिटी शोज जैसे सारेगामा, ये मैं 2000 में सारेगामा गया और उसके बाद भी कई सारे टीवी शोज में मैं आया, और फाइनली चैनल वी सुपर सिंगर का 2005 में मैं विनर बन गया।
तो वो एक ऐसा टर्निंग पॉइंट था जब मैं वो विनर हुआ, तो क्योंकि हमारे जूरी भी एआर रहमान साहब थे, अदनान भाई थे और हिमेश रेशमिया जी थे, बहुत अच्छा सा एक माहौल था, बढ़िया म्यूजिकल कंपटीशन जीता मैं, और उसके बाद मुझे 3 साल का एक कॉन्ट्रैक्ट मिला स्टार टीवी नेटवर्क के साथ और मैं मुंबई शिफ्ट हो गया, क्योंकि उससे पहले मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं मुंबई शिफ्ट हो जाऊंगा और प्रोफेशनली अपने इस पैशन को जीऊंगा, ये मुझे मौका मिला भी नहीं था, मेरी हिम्मत भी नहीं पड़ती थी, मुझे डर लगता था लेकिन फाइनली वो एक बहुत बड़ा बूस्ट था मेरी लाइफ में और आई थिंक इट चेंज्ड कम्प्लीटली द सिनेरियो, मतलब एडवोकेट रविंद्र उपाध्याय से मैं एक प्लेबैक सिंगर रविंद्र उपाध्याय की जर्नी के बीच का एक बहुत बड़ा ट्रांजिशन था ये, क्योंकि एक मिडिल क्लास फैमिली का बच्चा जब कुछ एक अच्छे फील्ड में जाने की सोचता है तो उसके सामने बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं और उसको ये लगता है कि मैं एक ऐसे फील्ड में जाने की कोशिश कर रहा हूँ जहाँ पे कुछ भी सर्टेन नहीं है, लेकिन फाइनली ये मुझे लगता है कि भगवान की दया रही और देखिए क्या होता है कि जब आप शांत मन से, अच्छे मन से अपने पैशन को जीते हैं लगन से और सीखने की हमेशा कोशिश करते रहते हैं तो सफलताएं धीरे धीरे ही सही लेकिन आपके हाथ जरूर लगती हैं। और विद इन सिक्स मंथ्स आई गॉट माई फर्स्ट प्ले बैक इन फिल्म इकबाल, वो इकबाल का बहुत ही खूबसूरत बड़ा ही सुंदर गाना, मुख्तार्स की फिल्म थी और गाना था ये, आंखों में सपना सपनों में आशा, आशा है जिंदगी हो, आशा है जिंदगी। जी, जो पहला गाना आपने गाया मुझे लगता है कि आपकी अब तक सिख की जिंदगी की कहानी को भी बयान कर रहा था कि किस तरह से आपने एक सपना देखा और उसे पूरा भी किया। जी जी बिल्कुल, बहुत ही आपने बिल्कुल ठीक कहा, ये गाना सच में था ही ऐसा, इतना इंस्पिरेशनल सॉन्ग था, तो शायद हो सकता है कि जिंदगी के आगे आने वाले जितने भी चैलेंजेस थे वो शायद ये गाना गुनगुनाते भी वो सब चैलेंजेस को मैं फेस करता था। और देखिए जीवन संघर्ष है और संघर्ष को जीते टाइम हम कई बार ना सेल्फ सेंटर्ड हो जाते हैं इसमें जी, हम सिर्फ अपने अपने बारे में सोचते रहते हैं कि मुझे ये करना है, मुझे ये मिलना चाहिए, मुझे ये मिल जाए, ये उसके लिए मैं क्या करूं, ये करूं वो करूं, लेकिन एज एन आर्टिस्ट मुझे लगता है कि आर्टिस्ट का काम जो है वो लेने से ज्यादा देने का होता है, मतलब इट्स मोर लाइक गिविंग गिविंग गिविंग। हम लोग अपने बारे में पता नहीं कितना सोच पाते हैं कि नहीं सोच पाते हैं, लेकिन अब ये चीज तो इस लॉकडाउन के दौरान आपने जरूर बड़ी शिद्दत से महसूस की होगी, ना सिर्फ आपने बल्कि मेरे देखने वाले सभी दोस्तों ने, कि जितने भी आर्टिस्ट हैं, परफॉर्मिंग आर्टिस्ट स्पेशली हम जैसे सिंगर्स या कुछ प्लेयर्स या जितने भी हैं, उन लोगों ने इस पूरे लॉकडाउन और इस कोरोना पीरियड के दौरान, जबकि बहुत टफ टाइम था हम सब लोगों के लिए अपने आप को मोटिवेटेड रखने का, तब आपको लगातार हम लोग एंटरटेन भी करते रहे और कुछ मोटिवेशनल अच्छे अच्छे गाने भी आप लोगों के लिए बनाते रहे, सारी चीजें करते रहे, और अपनी इस मुस्कुराहट के पीछे हमने अपने मन की घबराहट आपके सामने लाने नहीं दी। तो कहने का मतलब यही है कि जो देने का ये जो सुख है, ये मुझे लगता है कि भगवान ने हम आर्टिस्ट को बहुत ज्यादा दिया है। चेहरे की मुस्कुराहट हमेशा बनी रहनी चाहिए, क्योंकि हम स्टेज पे होते हैं तो हम रोते रोते तो स्टेज पे जा नहीं सकते, हमको हमेशा मुस्कुराना होता है। और मुझे लगता है कि वी आर ब्लेस्ड that through our profession we are spreading this beautiful feeling of happiness jahan bhi jate hain jahan bhi jis bhi jagah par jate hain hum log koshish hamari yahi rehti hai ki hum chehron par muskurahat phailaye to being an artist I think we are really blessed। बिल्कुल, तो क्यों ना इस वक्त अब हम एक बार एक झलक पाते हैं उस गाने की जो लॉकडाउन में आपने गाया था, और डेफिनेटली मतलब वो बहुत सही एंटरटेनमेंट था क्योंकि इस वक्त हमें जरूरत भी थी ऐसी ही किसी चीज की। तो आइए देखते हैं इस गाने की अब एक झलक। जी हाँ, और इस गाने में मेरा बेटा श्रीधर भी मेरे साथ है। जी जी बिल्कुल, तो आइए देखते हैं इस गाने की एक झलक। कौन बोला हमसे कि कोरोना जीत जाएगा, कौन बोला? यस 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 यस, लॉकडाउन के बाद अपना टाइम आएगा, कोरोना हार जाएगा, अपना टाइम आएगा। वाह रविंद्र जी, वाकई कह मानना पड़ेगा कि एक आर्टिस्ट जो है वो सिर्फ एक आर्टिस्ट नहीं होता बल्कि एक बहुत ही खास इन्फ्लुएंस होता है सोसाइटी पे, और यही पता लगता है हमें आपके गानों द्वारा।
इसके अलावा हमने ये देखा है कि आप सिर्फ एक आर्टिस्ट वाकई नहीं है, आपका जुड़ाव बहुत सारे सामाजिक सरोकारों से भी है, और हमारा जो ये मंच है ये भी यही कर रहा है कि बहुत सारी सामाजिक सरोकारों से अपने आप को जोड़ता है ताकि लोगों में एक जागरूकता पैदा की जा सके। तो अब हम सिंगर रविंद्र उपाध्याय का ये वाला साइड जानना चाहेंगे कि वो कौन से सरोकार हैं, वो कौन से सोशल कॉजेज हैं जिनसे आप जुड़े हुए हैं। बिल्कुल, एज अ सिंगर मुझे ये मौका भगवान ने दिया है और कि मैं इन्फ्लुएंस कर सकूं अपनी बात, या फिर कहना चाहिए कि सामाजिक सरोकार की कुछ बात सबसे शेयर कर सकूं, क्योंकि लोग हमें सुनते हैं और कई बहुत सारे लोग फॉलो भी करते हैं। और मुझे लगता है कि जो भी चीज मुझे दिल से छूती है, जैसे कि मैंने आपको बताया अभी हम लोग कोरोना काल की बात कर रहे थे, तो दिल से छूने वाली बहुत सारी चीजें, लेकिन इससे पहले भी, ये तो खैर अभी 4-5 महीने से ये सिचुएशन है, मैं शुरू से लगातार इस तरह की सोशल कॉजेस से मैं लगातार जुड़ा रहा हूँ, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, और उसी में एक बहुत ही खूबसूरत गीत भी बना था, उसकी 2 लाइन मैं आपको सुनाता हूँ बेटी पर। मेरी बेटी मेरा मान, मेरी दुनिया मेरी जान, अरे बनकर आई खुशियों की गंगा, बनकर आई खुशियों की गंगा, ममता की पहचान। मेरी बेटी मेरा मान, मेरी दुनिया मेरी जान। तो ये एक अभियान बहुत ही हम सबसे, मुझसे स्पेशली बड़े दिल से जुड़ा हुआ है, क्योंकि मैं भी एक पिता हूँ, एक बच्ची का पिता हूँ, तो मैं उस चीज को, उन भावनाओं को बहुत अच्छे से समझ पाता हूँ, मुझे ऐसा लगता है। और साथ ही स्वच्छता अभियान से मैं शुरू से जुड़ा रहा। आप सब जो कि जयपुर वाले, स्पेशली जयपुर के निवासी जितने भी हैं, उन सब ने तो सालों साल मेरी आवाज सुनी है, सुबह 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 शाम हर वक्त वो गाना आप लोगों के कान में अब भी गूंजता रहता है, और वो गाना था, जग गया मेरा जयपुर, जान गया मेरा जयपुर, स्वच्छता की परिभाषा पहचान गया मेरा जयपुर। तो ये गाना तो आप लोग लगातार सुनते ही आए हैं, और देखिए इस गाने का फर्क भी पड़ा था, और हम लोग 39th नंबर पर आ गए थे, बहुत बहुत दिल को छुआ लोगों के इस गाने ने। तो खैर ये सारी चीजें मैं लगातार हमेशा करता रहा हूँ, और जैसा कि अभी हम लोगों ने स्वास्थ्य विभाग का ये वाला गाना सुना, कोरोना वाला जो गाना हम लोगों ने सुना था, अपना टाइम आएगा। तो ये जितने भी चीजें हैं इन सब से मैं लगातार जुड़ा रहा हूँ। जल संरक्षण से भी मेरा जो ये अभियान है जल संरक्षण का, उसके उसके लिए भी मैंने, और श्रीधर, मेरा बेटा श्रीधर भी जो है वो मुझे आजकल फॉलो करता है काफी, और वो बहुत सारी चीजों में मेरा साथ भी देता है। अभी उसने थोड़ा थोड़ा गाना शुरू किया है, तो वो जल संरक्षण वाला गाना भी जो हम लोग अभी मैं आपको सुनाऊंगा, तो उस गाने में भी उसने मेरा साथ दिया, उसकी आवाज भी है। तो ऐसे करके बहुत सारी चीजें हैं। अब रिसेंटली हम लोगों ने जब कोरोना के दौरान जब हम लोगों ने हमारे कोरोना वॉरियर्स का स्ट्रगल देखा, लगातार हम लोग देखते आए, न सिर्फ डॉक्टर्स, न सिर्फ सफाई कर्मी, न सिर्फ पैरामेडिकल स्टाफ, बल्कि पुलिस विभाग का भी एक बहुत बहुत बड़ा योगदान रहा है, और उसमें भी स्पेशली एक महिलाओं की एक स्पेशल स्क्वाड है जिसका नाम है निर्भया स्क्वाड, और जयपुर की निर्भया स्क्वाड ने बहुत बहुत शानदार काम इस दौरान किया, अपनी ड्यूटीज को उन्होंने बहुत ईमानदारी से निभाया, और वो हम सब चीज लगातार देखते रहे, और ये सब चीज देखते हुए हम लोगों का मन किया कि क्यों ना हम भी अपनी तरफ से एज अ सिंगर हम लोग कुछ ऐसा क्रिएट करके हम लोग उनके लिए पेश करें कि जिससे उनका हौसला बढ़े, और उनको देखकर समाज में भी, बेटियों में भी एक अलग हिम्मत जागे, क्योंकि निर्भया स्क्वाड न सिर्फ कोरोना के दौरान बल्कि उससे पहले भी निर्भया स्क्वाड का जो काम है महिला सशक्तिकरण, और उनको कहना चाहिए एक सेफ एनवायरनमेंट, स्पेशली गर्ल्स को, महिलाओं को एक सेफ्टी का एक भाव उन्होंने जिस तरह से पैदा किया है मन में, बच्चियों के मन में, वो बहुत ही काबिल तारीफ है, और इसीलिए हम लोगों ने ये गाना बनाया है, निर्भया भारत की बेटियां। भारत की बेटियां, निर्भया भारत की बेटियां।
लगता है रविंद्र जी कि यहाँ पर दो काम होते हैं कि एंटरटेनमेंट तो लोगों का होता ही है, उन्हें संदेश, उन्हें जागरूकता तो मिलती ही मिलती है, साथ ही जैसे कि आपने कहा कि निर्भया स्क्वाड है या कोरोना वॉरियर्स हैं, उनको एक मोटिवेशन, एक इंस्पिरेशन, एक अप्रिसिएशन भी जरूरी होता है देना, जो मुझे लगता है कि आर्टिस्ट, आप जैसे आर्टिस्ट जो है वो अपने इन क्रिएशन से, अपने इन चीजों से दे सकते हैं। वाकई मैं कहूंगी कि बहुत ही शानदार काम कर रहे हैं आप, कि आज बहुत सारे लोगों को ये पता लगा होगा कि रविंद्र उपाध्याय सिर्फ एक बहुत अच्छे सिंगर नहीं है बल्कि एक बहुत ही अवेयर इंसान भी हैं जो कि समाज के लिए बहुत कुछ करने का जज्बा रखते हैं। रविंद्र जी, आप तो एक फेमस प्लेबैक सिंगर हैं, बॉलीवुड में आपने बहुत सारे गाने गाए हैं, राजस्थानी लोक संगीत में भी बहुत सारे गाने गाए हैं आपने। आपसे अब हम दो लाइनें सुनना चाहेंगे किसी ऐसे गीत की जो आपके दिल के बहुत करीब है। जी इसमें जी, वैसे तो काफी सारे प्लेबैक्स हो गए और अच्छा है कि मुझे अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे ऐसे प्रोजेक्ट्स पे काम करने का मौका मिला जिसमें एक अलग पहचान बनी। अब जैसे मैं यहाँ पे दो गानों का जिक्र करूंगा, एक रक्त चरित्र फिल्म का टाइटल सॉन्ग। असल में ये टाइटल सॉन्ग का जिक्र मैंने अभी यहाँ पे इसलिए किया क्योंकि भारत में प्रसारित होने वाले जितने भी डांस बेस्ड रियलिटी शोज रहे हैं उन सभी रियलिटी शोज में इस गाने के ऊपर जरूर जरूर कोरियोग्राफी हुई है। ये था फिल्म रक्त चरित्र का टाइटल सॉन्ग मिला तो मरेगा। तो मेरे जितने भी अभी सुनने वाले दोस्त हैं वो अगर इसको जरा सर्च करिए और ये गाने को सुनिए, सुनते ही आपको समझ आ जाएगा अरे ये गाने पे तो हमने बहुत सारी कोरियोग्राफी देखी है। और दूसरा बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुंदर गाना जो मुझे सच में बहुत पसंद है, पर्सनली मेरा फेवरेट सॉन्ग है, वो है फिल्म तलाश का जिया लागे ना, जिसको मैंने सोना महापात्रा के साथ ड्यूट गाया था और राम संपत जी का म्यूजिक और जावेद साहब के लिरिक्स। तो मैं कह रहा हूँ ना कि अच्छा लगता है जब आपको बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स पे काम करने मिलता है और सुंदर सुरीले गाने गाने का मौका मिलता है। तो दिस वाज वन ऑफ दोज सॉन्ग्स। और क्या सुंदर गाना था, उसकी एक लाइन में गुनगुनाता हूँ फिर ये वीडियो देखते हैं हम लोग। क्या जाने क्यों है, क्या जाने कैसी अनदेखी सी डोर, जो खींचती है जो ले चली है, अब यूं मुझे तेरी ओ जिया लागे ना, तुम बिन मोरा जिया लागे ना, तुम बिन मोरा जिया लागे ना। वाह वाह, अगर मैं अपने मन की बात कहूँ रविंद्र जी, तो मैं कहीं ना कहीं मन में यही चाह रही थी, अगर आप ये गाना गुनगुना रहे तो वहां क्या बात है। म्यूजिक एक बहुत ही सुंदर कला है और बहुत सारे लोग इसमें अपना करियर भी बनाना चाहते हैं, तो इन लोगों के लिए जो सिंगिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं, उन स्टूडेंट्स के लिए क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे आप? जी मैंने जैसा कहा कि देखिए ये विधा ऐसी है कि जिसमें आपको लंबा रियाज और एकदम शांत मन से आप लगे रहिए। ऐसा नहीं है कि एक दिन में कोई सिंगर बन जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। और मान लीजिए अगर आप इतने ब्लेस्ड हैं कि आप एक ही दिन में सिंगर बन भी गए, तब भी आपको सस्टेन करने के लिए यू नीड टू यू नो पॉलिश योरसेल्फ डे बाय डे। तो एक चीज तो ये हुई। दूसरी चीज ये है कि देखिए मेरे लाइफ में मुझे प्लेबैक सिंगिंग तक ले जाने के लिए रियलिटी शोज का या फिर यह कहें कि सिंगिंग के जो कॉम्पिटिशन्स होते हैं उनका एक बहुत बड़ा रोल रहा है। जैसा मैंने शुरू में भी जिक्र किया था कि मैंने काफी कॉम्पिटिशन्स फाइट किए, अपने आप को एवेल्युएट करता रहा, तो अपने आप को निखारने का एक बहुत बड़ा जरिया बनते हैं ये रियलिटी शोज। तो इसीलिए मैंने इस दौरान जबकि ये कोरोना वाली सिचुएशन हुई तो मैंने ये सोचा कि वो बच्चे क्या कर रहे होंगे जिन्होंने बहुत रियाज किया, बहुत अपने आप को तैयार करके अपने पैशन को वो लोग निखार रहे हैं, तो उनके लिए मैंने अभी दो चीजें मैंने की हैं पर्सनल लेवल पे। पहली चीज तो ये कि उनके लिए एक बहुत ही शानदार ऑनलाइन रियलिटी शो मैंने लॉन्च किया है जिसका नाम है एकता के सुर। और एकता के सुर का सीजन वन मैं आपको यहाँ पे सबको बताना चाहूंगा, इट वॉज अ बिग बिग सक्सेस एंड इट वॉज अ ग्लोबल सक्सेस। तो एकता के सुर एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप अपने आप को आजमा सकते हैं, अपनी सिंगिंग की कला को आप टेस्ट कर सकते हैं, एक चीज। और दूसरा एक और प्लेटफॉर्म मैं शुरू करने जा रहा हूँ जिसमें मैं अपने पेज पर रविंद्र उपाध्याय प्रोडक्शंस पर नए टैलेंटेड सिंगर्स को मौका देता हूँ जिसमें वो आते हैं और अपने लाइव सेशंस अपनी कला को वो सबके सामने लेकर आते हैं। तो ये दो प्रयास मेरे जारी हैं। और बाकी एडुकोस एक ऐसा एप्लीकेशन है एडुकोस जिसमें अगर आप सिंगिंग सीखना चाहते हैं मुझसे
सिंगिंग के कुछ महत्वपूर्ण गुर आपको अगर सीखने हैं तो आप एडुकोर्स पे जाइए और एडुकोर्स डाउनलोड कीजिए, वहां पर आप मुझसे सीख भी सकते हैं उस एप्लीकेशन के थ्रू। तो इस तरह से मैं लगातार कोशिश कर रहा हूँ कि नए सिंगर्स को निखारूं, उन्हें मौका दूं, उन्हें प्लेटफॉर्म। वाह वाह, तो यानी कि रविंद्र उपाध्याय जी की तो जितनी तारीफ की जाए कम है, क्योंकि ना सिर्फ आप एक रोल मॉडल हैं बल्कि आप कोशिश कर रहे हैं कि हमारी समाज में जहाँ ये प्रतिभा लोगों में है लेकिन वो बाहर नहीं निकल पा रही है, उनको एक प्लेटफॉर्म देने की कोशिश भी आप कर रहे हैं। वाह, बहुत ही शानदार है ये आपका जज्बा। तो रविंद्र जी, बातें तो आपसे करने के लिए बहुत कुछ है, एंड आई एम श्योर कि हमारे जो भी फॉलोअर्स हैं वो इस कॉन्वर्सेशन को बहुत अच्छे से इंजॉय कर रहे होंगे, लेकिन समय कुछ ऐसा हमें इंडिकेट कर रहा है कि फिलहाल हमें इजाजत लेनी पड़ेगी। लेकिन हाँ, जाने से पहले हम चाहेंगे कि प्रिंसेस दिया कुमारी फाउंडेशन के इस इनिशिएटिव हमारा राजस्थान सक्षम राजस्थान के बारे में आप अपने विचार कहें। जी बिल्कुल, मैं यही बात लाने जा रहा था कि देखिए मैं जयपुर राज परिवार के बारे में बात कर रहा था, लेकिन मैं फिर यही कहूंगा कि प्रिंसेस दिया कुमारी जी ने जिस तरह से अपफ्रंट एकदम सामने आकर और पूरे पूरे समाज के बारे में, जिस तरह पूरे राजस्थान को रिप्रेजेंट कर रही है वो, और जो है हमारा राजस्थान सक्षम राजस्थान एक ऐसा इनिशिएटिव है जिसके द्वारा मुझे लगता है कि अभी बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं कि जिनको सच में एक ऐसे संरक्षण की जरूरत है। कला संस्कृति ये हमारा तो है ही है, ये क्षेत्र तो साथ ही बहुत सारे क्षेत्रों में राजस्थान जो है अपना बहुत बहुत बड़ा नाम कर सकता है, और उसके लिए दिया कुमारी जी का ये इनिशिएटिव हमारा राजस्थान सक्षम राजस्थान बहुत ही मुझे लगता है एक संजीवनी बूटी सिद्ध होगा। क्योंकि देखिए कोई भी छोटी चीज बढ़ने के लिए, चाहे हम एक बीज, पेड़ का एक बीज ही ले लें, उसको बढ़ने के लिए संरक्षण की जरूरत है। तो ट्री गार्ड्स क्यों लगाए जाते हैं, वो इसीलिए लगाए जाते हैं कि उसे समय मिले प्रफुल्लित होने का, पल्लवित होने का, बढ़ने का, और फिर जब वो चीजें मजबूत होती हैं, जड़ों में नीचे फैलती हैं और उसे अच्छा संरक्षण मिलता है, तो फिर एक फलदायी पेड़ के रूप में वो सारी बातें सामने आती हैं। तो मुझे लगता है कि हमारा राजस्थान सक्षम राजस्थान एक ऐसा इनिशिएटिव साबित होगा आने वाले सालों में, जो कि राजस्थान को अलग अलग क्षेत्रों में एक अलग पहचान जरूर दिलवाएगा, और जितने भी लोग, जितने भी हमारे जैसे आर्टिस्ट हैं या और भी आर्टिजन्स हैं जो भी काम कर रहे हैं अपने अपने क्षेत्रों में, उन्हें एक हौसला मिलेगा, उन्हें एक संबल मिलेगा इस इनिशिएटिव से। तो मैं तो थैंक्स बोलना चाहूंगा, और मैं चाहूंगा कि ये इनिशिएटिव सालों साल यूं ही आगे बढ़ता रहे। बिल्कुल, ये बढ़ेगा अगर आप जैसे रोल मॉडल्स हमारे साथ होंगे, यदि आप जैसे लोग इसमें जुड़े रहेंगे जो कि एक इंस्पिरेशन है आज की इस जनरेशन के लिए, तो जरूर हम बहुत आगे जाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद रविंद्र उपाध्याय जी, और हमारी सब शुभकामनाएं आपके साथ है कि इसी तरीके से आप देश और दुनिया में अपना और राजस्थान दोनों का नाम रोशन करते रहें। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। नमस्कार। थैंक यू।